बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शेख अब्दुल कय्यूम। आपके साथ बॉनिक स्टूडियो से पेश करते हैं हम, हमारे साथ हैं उस्ताद खान साहब, वारिस अली खान साहब। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा तबला प्लेयर करते हैं यूरोपियन और कलंदरी स्टाइल से। और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल और सिंगर मौजूद हैं जिनका नाम है आयशा बेग साहिबा। और मैं अभी जाना चाहूँगा अपने जो हमारे मेन मेहमान हैं वारिस अली खान साहब के साथ। जी सर, बिस्मिल्लाह जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं सर, ये कब से कर रहे हैं और आपकी जो मेन धुन है वो क्या है? जी, अब जो मैं बजा रहा हूँ वो वेस्टर्न जो है वो यूरोपियन और कलंदरी माहौल बना रहा हूँ। ज़बरदस्त सर। और अब हम अपनी बहुत खूबसूरत मॉडल और सिंगर से बात करेंगे, आयशा बेग साहिबा। जी आयशा बेग साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है अल्लाह का शुक्र। क्या सुनाएंगे आप हमें, हमारे व्यूवर्स को क्या सुनाना पसंद करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी हम बहुत अच्छे गीत सुनाएंगे आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतने लेजेंड्स उस्ताद हैं उनके साथ प्ले करूँगी, तो ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। बहुत शुक्रिया जी। अब हम परफॉर्मेंस के दरमियान, मैं आपकी परफॉर्मेंस के दरमियान नहीं आना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन और हम अपने उस्ताद वारिस खान साहब को सुनें। जी सर। कि आपको, आपने भी सुना होगा, उस्ताद बलू अली खान, वारिस बलू अली खान साहब ने पेश किया एक बेहतरीन वेस्टर्न और कलंदरी धुन। और आप बहुत महजूज हुए होंगे और हम चाहेंगे इनसे और कुछ भी सुनना और आप बिल्कुल महजूज होंगे। हम अब चाहेंगे कोई शदीद किस्म की, शदीद किस्म की तुड़क हो रही है कलंदरी धुन की, तो वारिस बलू साहब मौजूद हों और कलंदरी धुन ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो लिहाजा हम फिर दोबारा
उस्ताद साहब की तरफ जाएंगे, तो हम उनसे कहेंगे कोई शदीद किस्म का जो उनसे ना हमारा जुनून जगाएं। जी सर ज़बरदस्त। देखें जी मज़ा आया ना आपको, तो आपको हम कह सकते हैं जनाब आपको जो सा ना कलंदरी जो सा ना स्टाइल सुनाया। अब मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत मॉडल और मतलब प्रिंसेस खूबसूरत गर्ल से चाहूँगा वो आपको कुछ थोड़ा सा गुनगुना के बताएं। कोई भी आपको जो सा ना वो आयशा, कोई भी आयशा बेग साहिबा प्लीज़, कोई भी जो सा ना बुलबुल ना चाहे चाहे, बुलबुल ना चाहे चाहे बागों में, जिस बाग में बुलबुल ना चाहे चाहे उस बाग का क्या फ़ायदा, और जिस महफिल में आशा ना गुनगुनाए उस महफिल का क्या फ़ायदा। ले जी आशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक गीत सुना रही हूँ जो कि बहुत ही सदाबहार भी है और आप सबको उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। एक छोटी सी ट्राई। और बोनिक का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस इवेंट पर ऑर्गेनाइज़ किया, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। और आज वारसी साहब भी मेरे साथ हैं, और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं इनके साथ एक परफॉर्मेंस कर रही हूँ। एक छोटी सी ट्राई है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच। लेनी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, और क्या बात है जी, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। और आयशा बेग ने इस गीत को वाकई अमर कर दिया, और जो उस पर स्टाइल दिया हमारे वार साहब ने, आय हाय हाय मज़े ही आ गया। और मैं दोबारा चाहूँगा कि कोई अच्छे सी जोन सी ना आपको धुन सुनाई जाए। सर आपकी कोई फेवरेट धुन हो? मैं ये चाहता हूँ ज़रा जो पहले मैंने किया है ना बोनिक स्टूडियो का जी, वो एक दफ़ा दोबारा लीजिए। चलें जी, हम अपने प्यारे से भाई की फरमाइश पे बॉनिक का जोन सा ना वो दोबारा से जोन सा ना वो पेश करने जा रहे हैं, और बॉनिक की स्टूडियो पे धुन पेश करने जा रहे हैं। तो उसमें जोन सा ना आप लोग इसे बिल्कुल बहुत महसूस होंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, तो लिहाजा मैं अपने फनकारों की तरफ चलता हूँ। जी सर। जबरदस्त जबरदस्त और बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया जी। सर उसके बाद आप क्या हमारे स्टूडियो पे, बॉनिक स्टूडियो पे, आपके अपने स्टूडियो पे आप क्या परफॉर्म करना चाहेंगे? मैं ये परफॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा बैंड है हम लोग बैंड जी, जिनके ये मेरे साथ दरबुका पे होते हैं जाद साहब जी, जी जाद भाई, तो अब मैं बैंड के साथ ही परफॉर्म करूँगा दोबारा इंशाल्लाह इसी मंच पे। जी जी ज़रूर। हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बजूका कहते हैं, और मैं दरबुका और जाहिद अली साहब दरबुका पे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये हमें ये ज़रा कुछ सुनाएं हमें स्पेशली। आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा इस सारे प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जोन से ना प्रोग्राम इसको मज़ीद बेहतर तौर पर आपको परफॉर्म करवाएंगे, और आपको और नई नई चीज़ें, नई नई धुनें सुनने को मिलेंगी और हमारी टीम के साथ। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा ये है कि हमारा 24 को शो होने जा रहा है अपना, तो उम्मीद है कि वो भी आप इंशाल्लाह ज़रूर उसमें आएँगे अलग सिटी में, और बॉनिक शो, और उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। आप हमारे तमाम फनकारों को वहाँ भी देखेंगे, और इंशाल्लाह आप खूब महसूस होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।